ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए टॉपर्स को दक्षिणा फाउंडेशन प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए फाउंडेशन की तरफ से टॉपर्स के चयन के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में फाउंडेशन की तरफ से आयोजित परीक्षा में हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया। मेरिट के आधार पर फाउंडेशन बच्चों का चयन करेगी। देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए टॉपर को दक्षिणा फाउंडेशन प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए फाउंडेशन की तरफ से टॉपर्स के चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में भी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित परीक्षा में हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया। मेरिट के आधार पर फाउंडेशन बच्चों का चयन करेगी। चयनित बच्चों को बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन की तरफ से प्रशिक्षित किया जाएगा। परीक्षा में 12वीं कक्षा के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि दक्षिणा फाउंडेशन 12वीं के बच्चों को बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयार करेगी। इसके लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने व मेरिट में स्थान बनाने वाले बच्चों को आगामी वर्ष के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ये बच्चे बड़े संस्थानों में प्रवेश पत्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। फाउंडेशन के हमीरपुर प्रतिनिधि प्रशांत अरोड़ा ने बताया कि लिखित परीक्षा के टॉपर को संस्था एक साल के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी। आईआईटी एनआईटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए इन बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव हमीरपुर का, तो आज हमीरपुर के गवर्नमेंट सीनियर बॉयज स्कूल में दक्षिणा फाउंडेशन की तरफ से परीक्षा ली गई 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ पे 12वीं क्लास के जो भी उत्तीर्ण बच्चे होंगे उनको दक्षिणा फाउंडेशन की तरफ से फ्री एक पूरी कोचिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी अगले साल के लिए, जहाँ से कि वो जिस कोचिंग का मेन उद्देश्य ये है कि वो आगे जो आगे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो वो आगे जो भी NIT है या IIT है वैसे वैसे अच्छे कॉलेजेस में अपना नाम कर सके और वहाँ पे एडमिशन प्राप्त कर सके। तो अभी हमीरपुर में आज 170 में से 100 बच्चों ने 81 बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है बच्चों का, काफ़ी बच्चों इनके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए हैं, और साथ ही ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया में पूरे भारतवर्ष में आज के दिन ही हुआ है, और अलग अलग हमारे जैसे दक्षिण रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्कूल में गए हैं जहाँ पे उन्होंने ये सब किया है। अच्छा, ये दक्षिणा फाउंडेशन है, तो जो भी 12वीं तक जो भी 12वीं में इस बार से क्या है कि जो भी नवोदय या फिर गैर नवोदय स्कूल्स हैं, तो जहाँ जो जिन्होंने 12वीं कक्षा की है, तो दक्षिणा क्या करता है कि जो भी एक टेस्ट लेगा उस टेस्ट में जिसके भी अच्छे अच्छे नंबर आएंगे तो या जो भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, तो दक्षिणा उनको अपने इंस्टीट्यूट बुला के उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ में रहना खाना सब फ्री है, और साथ में यह वो मुफ्त है पूरी। वहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो हमको पूरी एक JEE मेन्स की या IIT में प्रवेश की पूरी एक अच्छी हमको तैयारी करवाएंगे। तो दक्षिणा का ये संस्थान पूरे इंडिया में काफ़ी जगह पे इसके सेंटर्स हैं। जो इसका मेन सेंटर है वो पुणे में है, इसके अलावा इसका सेंटर हैदराबाद, बेंगलोर ऐसी जगह पे भी है। वही दक्षिणा फाउंडेशन के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे वो निकालेंगे कि इतने बच्चों का इस जिले से इतना सिलेक्शन होगा। एवरेज हर इसके आसपास 60 ऑल ओवर इंडिया में, और एक सेंटर में हाँ जी, जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है तो 60 हाँ जी हाँ जी, हैदराबाद है, बेंगलोर है, बिहार में सेंटर है, तो उस हिसाब से वहाँ पर वो करेंगे।